दोस्तों, आज है सितंबर की 15 तारीख। आजकल लगी है बरसात, तो हिमाचल प्रदेश में बरसात में जंगलों में मशरूम उगते रहते हैं, और हिमाचल में रहने वाले इन मशरूमों को जंगल से तोड़कर खाने के लिए लाते रहते हैं। हिमाचल में लोग स्पेशल भी इन मशरूमों को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन कई जगह गांव से जंगल में पशु चराने के लिए भी लोग जाते हैं, तो उन्हें पशु चराते हुए इस तरह के मशरूम जंगल में मिल जाते हैं, जिन्हें वो शाम की खाने की सब्जी के लिए जंगल से निकाल के लाते हैं। आजकल बरसात में अलग अलग तरह के मशरूम जंगल में उगते हैं, उसमें से कई खाने लायक होते हैं, कई खाने में बहुत ही जहरीले होते हैं। ये जो मशरूम है, इसे कहा जाता है हेलवेला क्रिस्पा, या इसे व्हाइट सैडल कहा जाता है, या एल्फिन सैडल, या कॉमन हेलवेल के नाम से इस मशरूम को जाना जाता है। इसमें जैसे हमारे कान है, उसकी तरह इसमें टॉप में एक टोपी सी होती है, और इसका जो बांसुरीदार तना होता है, और ये पेड़ों के आसपास नमी वाली जगहों पर उगता है। दोस्तों, जब भी आप बरसात में हिमाचल प्रदेश आएं, तो अलग अलग तरह के जो भी मशरूम हिमाचल में उगते हैं, उनकी सब्जी आप एक बार ज़रूर खाएं। आप मशरूम के टेस्ट को जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि जो जंगली मशरूम और जो आर्टिफिशियली मशरूम उगाए जाते हैं, उसके टेस्ट में दिन रात का अंतर होता है।